हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ हरप्रीत कौर सैनी, वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, ये टॉपिक है आज का हमारा कि होमिनिड फैमिली के बारे में, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निडरथल्स और होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। सो इन जो ये स्पीशीज की हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि इनमें कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कैसा इनका वेज ऑफ लाइफ था और ये कैसे एग्जिस्ट करते थे। सो हम इस टॉपिक इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट स्पीशीज इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। अब जैसे कि हमें पता ही है ना, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो उसका जो वो रिजेंबल करता था चिंपैंजी, जैसे चिंपैंजी होता है वैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है, राइट। इसमें जो इसका जो फेस होता है वो कनकेव होता है, ठीक है, जैसे कि चिंपैंजी में पाया जाता है, राइट। और जो इनका प्री मैक्सिला वो वेल मार्क्ड होता है, जैसे चिंपैंजी में या गोरिल्ला में होता है, वैसे ही इन्हें प्रोग्नेथिज्म बहुत ज्यादा होता है। प्रोग्नेथिज्म मतलब कि जो ये मैक्सिला और मैंडिबल जो पार्ट है इनका वो बाहर को निकला होता है, फॉरवर्डेड होता है, राइट। सो उसे हम प्रोग्नेथिज्म बोलते हैं। मैक्सिला मीन्स जो अपर लिप्स वाला पार्ट है, राइट, और जो चिन वाला पार्ट है वो भी इनका बाहर को, मतलब ये पूरा ही, मतलब मैंडिबल एंड मैक्सिला ये बाहर होते हैं, राइट। सो इसे प्रोग्नेथिज्म बोलते हैं। तो इनमें प्रोग्नेथिज्म और प्री मैक्सिला इज वेल मार्क, जैसे कि चिंपैंजीज या एप्स में पाया जाता है, राइट। और जो इनका जो नेजल बोन है वो रिजेंबल करती है दैट ऑफ चिंपैंजी, बिकॉज ये एक फर्स्ट स्पीशीज थी जिसके कुछ हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो ह्यूमन से मिलते थे। मतलब कि जो ये स्पीशीज थी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी इतनी तो थी ताकि ये इतना सोच सके कि क्योंकि ये फर्स्ट स्पीशीज थी जिन्होंने टूल बनाने शुरू किए, राइट। जो टूल बनाने का ये जो सोचने की पावर थी इनसे शुरू हुई थी, इसीलिए ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाली उसमें क्लासिफिकेशन में उनके उसमें नहीं क्लासिफाइड किया गया, इनको होमिनिड फैमिली में क्लासिफाइड किया गया, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ह्यूमन से मैच करते थे, कुछ हद तक ह्यूमन से मैच करते थे। बिकॉज जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्पीशीज थी जिन्होंने दो, मतलब इनके जो हाथ थे वो खाली रहते थे, ये चार पैरों पर नहीं, ये दो पैरों पर चलता था जैसे कि ह्यूमन चलता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्पीशीज थे जिन्होंने दो पैरों से चलना शुरू किया। इवन अगर हम चिंपैंजी और गोरिल्ला की बात करें, वो खड़े हो सकते थे, इवन कुछ हद तक चल भी सकते थे, बट उनके जो फोरलिम्स थे वो बहुत ज्यादा लंबे होते थे, राइट। बट जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसके ठीक होते हैं, ठीक है, और ये दो पैरों पर चलते हैं। सो बट इनके जो कुछ हद तक जो इनकी मॉर्फोलॉजी थी, इनके जो फीचर्स थे वो चिंपैंजी गोरिल्ला से मैच करते थे, क्योंकि इट्स द फर्स्ट स्पीशीज, ठीक है। तो इन्हें इसीलिए इन्हें होमिनिड फैमिली में क्लासिफाइड किया गया, इन्हें एप्स में क्लासिफाइड नहीं किया गया, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट जो थे वो ह्यूमन से मैच करते थे। सो इट्स द फर्स्ट स्पीशीज, और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 520 cc, कि इतना सोच सकते थे, क्योंकि अब जो स्पीशीज दो पैरों पर चल रही है, अब इनके हाथ खाली रहते थे, ठीक है। तो जब खाली हाथ रहने लगे कुछ समय बाद, जब टाइम पीरियड बीतता गया, तो कुछ टाइम पीरियड बाद इन्होंने सोचा कि इन्होंने टूल देखा, मतलब एक स्टोन देखा, क्योंकि अब जो इन्वायरमेंट है उसके अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही एक ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है, राइट। एक स्पीशीज, एक एनिमल और एक एनी स्पीशीज सर्वाइव कर सकता है, उसके अडेप्टेशन उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, राइट। अब किस तरह का इन्वायरमेंट था, क्या क्या फूड अवेलेबिलिटी थी, क्या क्या वाटर, जो भी उनकी नीड्स थी उनको कैसे फुलफिल किया जाए। जो ये स्पीशीज थे इनकी जो रहने, जब ये मतलब क्योंकि जैसे इनका फूड था, अब इन्हें ब्रांचेस खाते थे या ये एनिमल्स खाते थे, ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये ब्रांचेस भी खाते थे तो उन्हें भी तो काटना पड़ता होगा। तो इन्होंने सोचा कि एक टूल से क्यों ना, किसी एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने गलती से कोई स्टोन टूटा होगा जिसे उन्होंने इन्हें क्रश करने के लिए यूज किया होगा, राइट।
आफ्टर दैट उन्होंने चॉपर एंड चॉपिंग टूल, जो फर्स्ट टूल थे वो इन्होंने बनाए थे, इन्होंने सोचा कि पत्थर से हम, एक स्टोन से हम कुछ ऐसे टूल्स बना सकते हैं जो हम कटिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये पहली स्पीशीज थी जिन्होंने इतना सोचना शुरू किया, ठीक है। जो पहले, जो जैसे इनसे पहले तो सभी एप्स ही थे, यही फर्स्ट स्पीशीज थे जो होमिनिड फैमिली को बिलोंग करती थी। सो इनकी इतनी क्रेनियल कैपेसिटी थी, सो ये इतना सोच सके, तो इन्होंने स्टोन टूल्स बनाए अपनी कटिंग पर्पसेस के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज करने के लिए, राइट। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इनके, जो इनका अभी मैंने प्रोग्नाथिज्म आपको बता दिया, इनमें डायस्टेमा प्रेजेंट होता है, अपर मतलब कि जो डिस्टेंस होता है ना केनाइन और इंसाइजर्स का, वो में डिफरेंस होता है, तो डायस्टेमा बोलते हैं, राइट। और इनमें जो पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रिक्शन होती है वो मार्क्ड होती है, जो इनके टेम्पोरल फोसाई है जो वो लार्ज होते हैं। टेम्पोरल फोसाई होते हैं जो फोर हेड होता है, फोर हेड में जो साइड में, जो लेटरल साइड में फोर हेड के दोनों दोनों साइड में, जो फोर हेड के जो मतलब ईयर के आगे जो फोर हेड पर जो ये है जहां से हमारे हेयर शुरू होते हैं, राइट, लेटरल साइड में, नॉट इन द मिडल, लेटरल साइड में जो ये वाला स्पेस है इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल फोसाई। तो इनमें बहुत बड़े होते हैं, राइट। और जो इनकी सेजिटल क्रस्ट है वो वेल डेवलप्ड होती है, मतलब सेजिटल क्रस्ट जो हेड हमारे जो फोर हेड होता है, मतलब ये जो स्कल्स में ज्यादा दिखते हैं, ये लिविंग किसी स्पीशीज में नहीं दिखेंगे, ये स्कल्स में अच्छी तरह से हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सूचर्स होते हैं, ठीक है, वो सूचर्स हो गए या कुछ बोन्स होगी, हम स्कल्स पर बता सकते हैं कि कौन से सूचर्स है, क्योंकि सूचर्स तो सभी ही स्कल्स पर ही दिखते हैं, वो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे, राइट। वो जो सेजिटल क्रस्ट है वो वेल मार्क्ड होती है इनमें, ठीक है, वेल डेवलप्ड होती है। जो सुपरा ऑर्बिटल टोरस है वो मैसिव होता है। सुपरा ऑर्बिटल क्या होती है, सुपरा ऑर्बिटल टोरस होते हैं जो हमारे ये जो ये आईब्रोज होती है, आईब्रोज वाले पार्ट में, उस आईब्रोज वाले पार्ट को सुपरा ऑर्बिटल रिजेस बोलते हैं, बट इसमें सुपरा ऑर्बिटल टोरस होता है, मतलब कि शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कि बहुत ज्यादा इनका सेल्फ की तरह, मतलब बहुत बोन बाहर को निकली होती है, ठीक है। जो इन अभी आईब्रोज देख सकते हो, इस आईब्रोज बिल्कुल ही मार्क्ड अच्छी तरह से, मतलब बाहर ही निकली हुई है, तो सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम सुपर ऑर्बिटल टॉरस बोलते हैं। वो बहुत मैसिव होता है इनमें, जैसे कि चिपेंजीज में होता है, राइट। और जो स्पेशियल और डायजेगोमेटिक पोर्शन है वो लार्ज होता है, मैंने आपको बताया ही है कि इनमें प्रोग्नेथिज्म होता है। इनमें जो जायगोमेटिक पोर्शन, जायगोमेटिक मतलब जो चीक बोन होती है, हम स्कल में अच्छी तरह देख सकते हैं। अब ड्यू टू स्किन एक लिविंग स्पीशीज पे हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में जायगोमेटिक बोन जो होती है, वो चीक बोन को हम जायगोमेटिक बोन बोलते हैं, ठीक है। तो फेशियल और जायगोमेटिक पोर्शन होता है वो बहुत लार्ज होता है, मैग्जिला इनका बहुत लार्ज होता है। मैग्जिला इज अपर पार्ट में, मैग्जिला अभी जैसे स्किन है, स्किन वाला पार्ट है जो अपर लिप्स वाला पार्ट है, वहां पर तो स्किन है, लेकिन अगर स्कल में देखेंगे तो वो मैक्सिला अच्छी तरह से आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें स्किन नहीं होती स्कल में। तो अच्छी तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि सूचर्स किसे बोला जा रहा है, सेजिटल क्रस्टोरस किसे बोला जा रहा है, या जायगोमेटिक और मैंडिबल मैक्सिला किसे बोलते हैं, राइट। उसमें समझ आएगा आपको। एंड देन प्री मोलर एंड मोलर आर वेरी लार्ज। जो प्री मोलर होते हैं और मोलर मोलर जो टीथ होते हैं, ये बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। जो थर्ड मोलर होता है वो अच्छी तरह से एडेप्टेड नहीं होता इस स्पीशीज में, राइट, जो विजडम जिसे विजडम टीथ बोलते हैं, राइट। देन मैस्टोइड प्रोसेस होता है। जो मैस्टोइड प्रोसेस होगा वो ऑसिपिटल बोन, मतलब जो बैक नेक के पास स्कल में अच्छी तरह से मार्क्ड मैस्टोइड प्रोसेस दिखेगा, वो अच्छी तरह से इनमें मार्क्ड होता है, ठीक है। और जो इनकी हाइट होती है मैक्सिमम 4 फीट 9 इंचेस होती है, राइट। दीज आर द फर्स्ट स्पीशीज जो जिन्होंने इतना चॉपर एंड चॉपिंग टूल बनाने शुरू किए, और इन्होंने अपना जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो चिंपैंजी से मैच करते थे। और इनमें एक दो स्पीशीज ही नहीं बल्कि इनमें और भी स्पीशीज होती है, राइट। एक तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस होता है, और एक होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बुसाई। ये दो स्पीशीज इनमें मेंशन किया, बट और भी स्पीशीज होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दिस इज द फर्स्ट स्पीशीज।
ठीक है, जो कि हॉमिनिड फैमिली की है, वो फर्स्ट स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, क्योंकि इन्होंने एक तो चॉपिंग टूल बनाने शुरू किए, दूसरे ये बाय पैडल वॉकिंग करते थे, ठीक है, और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी एप्स के अकॉर्डिंग, बट इनकी जो कुछ हद तक सिमिलैरिटीज थी वो एप्स से भी मिलती थी और ह्यूमन से भी मिलती थी। सो ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और डीएनए की बात कर सकते हैं, कुछ हद तक मैच करता होगा ह्यूमन से, पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके एप्स लाइक से और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके ह्यूमन लाइक से। सो इट इज द फर्स्ट स्पीशीज ऑफ हॉमिनिड फैमिली, राइट। नेक्स्ट इज होमोहैबिलिस। होमोहैबिलिस इज अ सेकेंड स्पीशीज आफ्टर एस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, और ये लिकी ने डिस्कवर की थी, एस्ट्रेलोपिथेकस भी लिकी ने ही किया था। ये कुछ केव्स में पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डिगिंग होती है, उसके बाद कुछ स्कल पाए जाते हैं, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनकी सर्च की जाती है, फिर अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है, और अगर कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें न्यू नेम दिया जाता है। सो ऐसे एक रिसर्च चलती है कुछ स्कल्स की, क्योंकि जो स्कल्स के बिहाफ पर ही हम जज कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम तो एग्जिस्ट करते नहीं थे। सो अकॉर्डिंगली दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनकी जो भी उनका मटीरियल मिलता है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल मटीरियल हो गए, आर्टिफैक्ट्स, इकोफैक्ट्स वगैरह हो गए, चाहे वो स्कल्स हो गए, तो उनके बिहाफ पर एक लाइफ वेज ऑफ लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि पास्ट लाइफ कैसी थी और ये स्पीशीज किस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ये कौन सी प्राइमेट के स्पीशीज है। अगर ह्यूमन लाइक स्पीशीज है तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर्च करते हैं, अगर कोई और स्पीशीज है तो प्राइमेटोलॉजिस्ट और इथनोलॉजिस्ट सॉरी इथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। तो इट डिपेंड ऑन द स्कल कि आइदर दिस स्कल इज ऑफ ह्यूमन स्पीशीज और एनी अदर। इफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन, दैट इज हैंड ओवर टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट। सो दिस इज अ सेकेंड स्पीशीज दैट इज होमोहैबिलिस, ठीक है, और ये लिकी ने डिस्कवर की थी अफ्रीका में 1962 में, राइट। और जो होमोहैबिलिस थे वो एस्ट्रेलोपिथेकस जैसे थे, बट उनमें कुछ मॉडिफिकेशन थी, इसीलिए उनका नाम होमोहैबिलिस पड़ा। अगर कुछ कुछ चेंज ही ना होता तो वो एस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज नहीं आते। बट ये इनमें क्या चेंजेस थे, जो होमोहैबिलिस था वो प्रिमिटिव एडवांस स्पीशीज थी एज कम्पेरिजन टू एस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। और जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी उनके जो एस्ट्रेलोपिथेकस थी उनकी 520 थी, बट इनकी 35% लार्जर है एज कम्पेरिजन टू एस्ट्रेलोपिथेकस। सो इनकी 612 cc है, राइट। और जो इनके टीथ हैं वो स्मॉलर है एज कम्पेरिजन टू एस्ट्रेलोपिथेकस, बिकॉज अब एस्ट्रेलोपिथेकस जो कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ हद तक उसके चिपेंजी से मैच करते थे, बट इसमें अब एक आप और चीज नोट करोगे, इसमें होमो लग गया, जैसे हम होमोसेपियंस हैं, इनमें होमोहैबिलस है, राइट। तो होमो क्यों लगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो ह्यूमन से मैच करते थे, तभी इनके आगे होमो लगा, राइट। अब उनका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, क्यों, क्योंकि इनमें चिपेंजी के कुछ हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स चिपेंजी से मैच करते थे, बट इसमें होमोहैबिलिस है, राइट। तो इसमें कुछ हद तक ज्यादा है, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी, इनकी जो सोचने की क्षमता है वो 35% ज्यादा है एज कम्पेरिजन टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। और जो इनकी मतलब 612 to 650 तक, राइट। और जो इनकी डेंटल डेंटल पैटर्न है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह ही है, और ये फ्रुगिवोरस डाइट पर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे वेज ऑफ लाइफ होगा वैसे इनका लिविंग स्टाइल होगा, जैसे इनकी जो नीड की अवेलेबिलिटी है कि वहां पर ये चीजें मिलती हैं, उस हिसाब से ही खाते पीते होंगे, उस हिसाब से ही इनका वेज ऑफ लाइफ होगा, उस हिसाब से ही अपने टूल्स यूज करते होंगे, या फिर उनकी अडेप्टेशन उस हिसाब से होगी। अब ये फ्रुगिवोरस थे, मतलब ये हंटिंग गैदरिंग का पार्ट नहीं है होमोहैबिलिस, राइट। तो फ्रुगिवोरस थे, फूड खाकर गुजारा करते थे, बट जो ये वाली स्पीशीज थी इन्होंने चॉपर एंड चॉपिंग टूल को भी यूज किया, और इन्होंने क्लीवर्स बनाए थे। द क्लीवर द सेकेंड टूल विच आर मेड बाय द होमोहैबिलिस, वो क्लीवर्स जो होते हैं आगे से थोड़े तीखे होते हैं, राइट। तो वो जो क्लीवर्स किन्होंने बनाए थे, क्लीवर्स बनाए थे होमोहैबिलिस ने, राइट। और जो इनकी इनका वेज ऑफ लाइफ था, ये फ्रुगिवोरस से फ्रूट खाकर गुजारा करते थे, और ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट में ही रहते थे, राइट।
तो उसी उस टाइम पर तो केव्स में भी नहीं रहते थे, ये फ्रूट्स खाकर ही, क्योंकि फ्रूगीवोरस से फूड खाकर ही गुजारा करते थे, जो जैसे फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, यही खाते थे। और जो इनके जो डेंटल पैटर्न था वो एस्ट्रेलोपिथेकस जैसा था, बट स्मॉलर थे, इनके टीथ से जो छोटे थे एज कम्पेरिजन टू एस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। और जो इंसाइजर एंड कैनाइन आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्मॉलर, ठीक है, स्मॉल थे। एंड जो फेस में मार्क्ड प्रोग्नेथिज्म था एज लाइक दैट ऑफ एस्ट्रेलोपिथेकस, इनमें भी प्रोग्नेथिज्म पाया गया। और जो इनके लेग्स और फिंगर्स थे वो कर्वी थे, ठीक है। और जो इनके लिम्स थे, बोन्स थे, वो सिमिलर थे, मतलब जो इनकी लिम्स थी वो अब आगे जो स्पीशीज आएगी उनसे मैच करती थी, राइट। मतलब जो एस्ट्रेलोपिथेकस थे वो तो मैच कुछ हद तक एस्ट्रेलो चिपेंजी एंड एप से मैच करता था, बट इनमें चेंजेस आए। एक तो इनमें लेग्स और फिंगर्स कर्वी थे, दूसरा जो इनके लिम्स बोन थी वो सिमिलर थी होमो इरेक्टस की तरह, मतलब इनमें कुछ हद तक ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने जो ये वाली स्पीशीज थी, इन्होंने हैंड एक क्लीवर एंड चॉपर एंड चॉपी, चॉपर एंड चॉपिंग टूल तो बनाए किसने थे, एस्ट्रलोपिथेकस ने, बट ये वाली स्पीशीज भी उनको यूज करती थी। आफ्टर दैट इन्होंने अपनी थिंकिंग से क्लीवर्स भी बनाए जो चॉपर एंड चॉपिंग टूल से कुछ हद तक बेटर थे, अच्छी तरह क्रशिंग ग्राइंडिंग या कटिंग के लिए अच्छी तरह से काम करते। तो इन्होंने कुछ तीखे, उनसे तीखे जो टूल बनाए थे वो क्लीवर्स बनाए थे इन्होंने, राइट। तो इन्होंने उन्होंने क्लीवर बनाए कि कुछ जो जो टूल था, आई मीन जो स्टोन था उसको एक बार मतलब हाफ तोड़ा, एंड आफ्टर दैट उसके कुछ फ्लेक्स, दो तीन ऊपर की जो फ्लेक्स थी उनको उतार के उन्हें तीखा कर लिया, राइट। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लेक पूरी उतारी, एंड उससे जो आगे वाला पार्ट था, जैसे कि कुल्हाड़ी का होता है, राइट, वैसे इन्होंने आगे वाले पार्ट को तीखा किया जिससे अच्छी तरह से काट सके किसी चीज को, राइट। ऐसे ये वाले टूल्स यूज करते थे। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कुछ बहुत 35% ज्यादा होती थी। और इनके जो जोज और डेंटिशन डेंटिशन और जोज, ठीक है, जो इनके दांत थे, है ना, वो जो जो पार्ट था वो अच्छी वेल डेवलप था। और जो इनके सुप्रा ऑर्बिटल टोरस जो था स्मॉल था एंड रिड्यूस था। अब सुप्रा ऑर्बिटल टोरस जो स्टेलोपिथेकस में सबसे ज्यादा था, आई मीन शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनता था, लेकिन इनमें जो सुप्रा ऑर्बिटल मतलब जो आईब्रोज में जो शेल्फ बनती है वो कम बनती थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की चिपेंजी और गोरिल्ला की तरह बनती थी शेल्ड, बहुत ज्यादा मार्क था आई जो आईब्रोज थी इनकी, बट इनकी उनसे कंपेरेटिवली कम थी, राइट। और जो लेग्स थे वो शॉर्ट थे, और जो आर्म्स और लेग्स थे वो प्रोपोर्शनेट थे, ठीक है, एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ एप्स एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। जो हैंड एक्सिस तो मैंने आपको पहले भी बताया, हैंड एक्सिस जो थे ये होमो हैबिलिस स्पीशीज ने बनाए थे, ठीक है। और इनकी पेल्विस पेल्विस बोन जो होती है वो थाई थाई जो होता है, थाई से ऊपर जो बोन होती है सर्कल टाइप, उसमें जिसमें फीमर बोन जो थाई बोन है उसमें अटैच होती है पेल्विस में, वो इनमें वेल मार्क थी, वो इरेक्ट पोस्टर में खड़ा होने में हेल्प करती है। तो इन इन जो पेल्विस पेल्विक बोन है वो वेल डेवलप थी इन जो होमो हैबिलिस थे, राइट। और जो स्कल था वो प्लेटिस्फेलिक था। अब ये जो प्लेटिस्फेलिक, डोलिकोस्फेलिक, हाइपर डोलिकोस्फेलिक जो ये पार्ट है, ये हम रेसिस में करेंगे, जब रेसिस वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फेस मोर्फोलॉजी हम नाम दे सकते हैं कि ये स्कल थोड़ा इनकी जो क्योंकि कुछ डायमेंशंस होते हैं कि कुछ परसेंट के अकॉर्डिंग उनको किस कैटेगरी में लेना होता है। तो ये स्कल की टाइप कैसी थी, तो जैसे उनमें कनकेव होते हैं, राइट, कनकेव थे इनमें ये प्लेटिस्फेलिक थे, मतलब इतने कनकेव, इतने बाहर को निकले, चीक्स इतनी बाहर को नहीं थी, प्रोपोर्शनेट था इनका फेस, ठीक है। और इनमें प्रोग्नेथिज्म था, इनमें सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस भी थी, बट एज कम्पेरिजन टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस इनमें कम थी। तो इनकी कुछ हद तक जो बॉडी की स्ट्रक्चर था वो ह्यूमन से मैच करता था। ओके, द नेक्स्ट स्पीशीज इज होमो इरेक्टस। सो होमो इरेक्टस में टू स्पीशीज पाई गई, एक तो जावा मैन जिसे हम जावेनेंसिस बोलते हैं, होमो इरेक्टस की जो पिथकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये रिवर सोलो में पाया जाता है। और इन्हें
डॉक्टर इयोजिन दुबाइस ने जो मतलब इन्हें डिस्कवर किया था और ये 1891 में पाया गया। बट जो पैकिंग मैन भी बोलते हैं जिसे हम जो सिनैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है, वो सेकंड होमो इरेक्टस था जो चाइना में पाया गया और उन्हें प्रोफेसर डेविसन ब्लैक ने डिस्कवर किया था, राइट। सो दो स्पीशीज से जो होमो इरेक्टस की पाई गई। सो जो ये पेलियोलिथिक का ही पार्ट है, क्योंकि जो पीछे जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, these are the species which are found in the lower paleolithic period, okay। so ये paleo, ये भी जो homo erectus था ये भी paleolithic का ही part है, lower paleolithic का, और जो australopithecus और homo habilis है वो भी lower paleolithic में ही पाए गए, right। so जो इनमें जो age हम बात करेंगे, epoch बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, वो थी इनकी middle pleistocene, ठीक है। जो middle pleistocene में ये जो होमो इरेक्टस ये पाए गए थे, राइट। एंड प्लियोसीन हो गया और प्लिस्टोसीन हो गया, हेलोसीन हो गया, होलोसीन। तो ये सभी जो ये इपोचेस हैं इनमें ही जो होमिनिड स्पीशीज पाई गई हैं, राइट। सो जो पीरियड था वो था लोअर पैलियोलिथिक पीरियड और इपोच थी इनकी प्लियोसीन टू प्लिस्टोसीन, राइट। सो देन इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी एज कंपेरिजन टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो हैबिलिस इनकी ज्यादा थी, उनकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 520 तक थी, आफ्टर दैट होमो हैबिलिस की 620 तक, अब इनकी जो है 850 टू 175 और 1300 तक इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी, इतनी सोचने की क्षमता थी इनमें। तो उस हिसाब से इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हुआ टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है वैसे वैसे अडेप्टेशन चेंज होती है, वैसे वैसे उनकी जो नीड्स बढ़ती हैं, क्योंकि जो जिस टाइम पीरियड में ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो हैबिलिस रहते थे, आई थिंक उस टाइम पे इतनी ठंड नहीं होती थी, क्योंकि तभी वो फ्रूगिवोरस थे, वो फ्रूट्स खाकर या नट्स खाकर या लीव्स खाकर गुजारा कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ठंड नहीं होती थी। लेकिन जब होमो इरेक्टस वाला टाइम आया उस टाइम से ठंड होनी शुरू हो गई थी। सो उस हिसाब से उनकी जो फूड अवेलेबिलिटी वो चेंज होने लगी, राइट। सो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है उनसे कंपैरेटिवली इनकी ज्यादा होगी, राइट। और जो इनका स्कल है वो थिक और मैसिव होता है, और इनकी जो स्कल होता है वो हाई होता है, ठीक है ना, जो वॉल्ट होता है स्कल का वो हाई होता है, सर का जो पार्ट है, राइट। और फोरहेड इनका कम होगा जो सीडिंग, ठीक है। और जो इनके सुप्रा ऑर्बिटल रिजिज हैं वो कॉन्टिन्यूस और प्रोनाउंस्ड है जैसे होमो हैबिलिस में थी। एंड इनमें जो पैरिटल बोन है वो फ्लैटेंड होती है, पैरिटल बोन होती है जो सर में जो साइड में जो पार्ट होता है, अब ये स्कल में या फिर फेस टू फेस एक्सप्लेन अच्छी तरह किया जाएगा, बट यू कैन सी दैट कि जो इनका ऊपर हेड है वो फ्लैट है ना, तो उसमें जो पेरिटल बोन है वो फ्लैट होती है, राइट। ऑर्बिट्स हैं जो मतलब आंखें हैं वो लार्ज होंगी, बड़ी हैं, और नोज इनका ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, राइट। और इनमें जो पेरिटल आर्च है नैरो होती है जैसे कि देन मॉडर्न ह्यूमन, बट कंपेरेटिवली जैसे उनमें जो पीछे वाले स्पीशीज थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो हैबिलिस उनमें ज्यादा थी, बट इनमें कम होती है, बट इनमें जो मॉडर्न मैन से कम होती है होमो हैबिलिस में, जो पैरिटल आर्च होती है जो ऊपर वाला जैसे टीथ है ना उसके ऊपर वाला पार्ट है, माउथ का ऊपर वाला पार्ट है उसे हम पैरिटल आर्च बोलते हैं, यू शेप की होती है, ठीक है, वो इनमें नैरोअर होती है एज कंपेरिजन टू ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन, राइट। देन फेस जो होता है इनका ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है, चिन एब्सेंट होती है, चिंपैंजी में भी एब्सेंट थी, गोरिल्ला में भी एब्सेंट थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी एब्सेंट थी, होमो हैबिलिस में भी एब्सेंट थी, और चिन इनमें भी एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि इनमें प्रोग्नेथिज्म होता है, ज्यादा प्रोग्नेथिज्म होता है, इनका मैक्सिला और मैंडिबल बाहर को होता है, तो इसलिए चिन में एब्सेंट होती है। तो ये बात है, मैं सिर्फ अभी सिनैंथ्रोपस की कर रही हूँ, ठीक है, जो चाइना में पाया गया। देन जो इनका फेस है वो ब्रॉड और शॉर्ट होगा, चिन एब्सेंट होती है इनमें, और
जो ये स्पीशीज थे, ये फर्स्ट स्पीशीज थे जिन्होंने फायर यूज करनी शुरू की. बट ये कंफर्म नहीं है कि कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते थे या किस पर्पसेस के लिए यूज करते थे, क्योंकि जो अगर फायर यूज करने लगे तो ऑब्वियसली बात उस टाइम पर ठंड होगी, इसलिए ये फायर यूज करने लगे. एंड ठंड से बचने के लिए फायर को यूज करने लग गए थे. और दीज आर द फर्स्ट स्पीशीज जिन्होंने फायर को डिस्कवर किया कि आग से हम ठंड को, ठंड से आग हेल्प करती ठंड को बचाने में. अब बट ये कंफर्म नहीं है कि कुकिंग पर्पसेस के लिए ये वाली स्पीशीज यूज करती थी कि या नहीं करती थी. सो दिस इज ऑल अबाउट होमो इरेक्टस की जो फर्स्ट स्पीशीज है सिनेंथ्रोपस, राइट. एंड द सेकेंड इज द जावा मैन जिसे बोलेंगे पिथकैंथ्रोपस, राइट. सो जो ये वाली स्पीशीज थी ये भी मिडल प्लिस्टोसीन का पार्ट थी, राइट. ठंड में ही थी ये भी. और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस जो थी फ्रंटल बोन में, ठीक है, उनमें इनमें भी टॉरस, इनमें मतलब ये इनमें भी थिक और मैसी भी होती है. बट जो इनकी जो अब नक्कल रीजन हो गया, और जो पीछे नेक के पीछे नेक का ऊपर वाला पार्ट है ना जो सर पर होता है, उनमें जो नक्कल रीजन में प्रेजेंट होता है वो भी स्कल्स में पाया जाएगा. लाइंस होती हैं कुछ, जो मार्क हमें दिखती हैं स्कल्स में, बट लिविंग फिशेस पे नहीं दिखती. सो वो इनमें प्रेजेंट होती हैं, राइट. और जो जो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है वो 850 टू 1700 होती है, और सिनेंथ्रोपस से भी ज्यादा होती है इनमें, पिथकैंथ्रोपस में, राइट, जिसे जावा मैन भी बोलते हैं. जो क्रेनियम होता है फ्लैटेंड होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, जो वोल्ट इनमें कम होता था, इनमें कम होता था, और जो सिनेंथ्रोपस थे उनमें हाई होता था, ठीक है ना. जो वोल्ट है स्कल वो इनमें हाई है, और सिनेंथ्रोपस में, सॉरी जावा मैन में कम है, लो है, राइट. जो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कॉन्टिन्यूस है, और फ्रंटल ये टोरस, इनमें टोरस बनता है, राइट. और इनमें जो सिनेंथ्रोपस थे इनमें नहीं, इनमें प्रोनाउंस और कॉन्टिन्यूस था, पर टोरस की बात नहीं की, बट इनमें टोरस बनता था जो ये पिथकैंथ्रोपस थे जावा मैन. सो फोर हेड जो था नैरो था, लो था, रिसीडिंग था, और टीथ थे जो वो छोटे ही होते थे, ठीक है, एज जैसे इनके सिनेंथ्रोपस के थे. और जो लीनियर एस्परा है फुली डेवलप था इरेक्ट पोस्चर के लिए. लीनियर एस्परा जो होता है एक ना रफ सा सरफेस, मतलब एक सरफेस होता है जो थाई बोन पे प्रेजेंट होता है, जो इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट खड़ा होने में हेल्प करता है, ठीक है, वो थाई में पाया जाता है, सॉरी टिबिया में पाया जाता है. तो वो जो है वो इरेक्ट पोस्चर में हेल्प करते हैं, फुली डेवलप होता था जो जावा मैन थी, ठीक है. और हैंड एक्सिस, जो हैंड एक्सिस थी, हैंड एक्सिस आप देख सकते हो इन फोटोज में, कि जैसे पिक्चर्स में देख रहे हो ये हैंड एक्सिस होती हैं. जो फर्स्ट वाली है लेफ्ट साइड पर एशुलियन हैंड एक्सिस जिसे लिखा हुआ है, उनमें जो जो इनकी फ्लेक्स होती है ना वो बहुत ज्यादा मतलब छोटी भी होती हैं, और जो इनकी इनमें सेकेंडरी फ्लेक्स भी निकाली जाती हैं. सेकेंडरी फ्लेक्स इसलिए कि ताकि साइड से भी वो तिखा हो और काटने में अच्छी तरह हेल्प करे. और इनके जो फ्लेक्स हैं बीच में फ्लेक्स उतरती हैं पीछे से, क्योंकि अगर स्टोन लेंगे उसके सबसे पहले वो फ्लेक्स उतारेंगे. और ये अकॉर्डिंग टू स्टोन डिपेंड करता है कि कैसे कौन सा स्टोन है, क्योंकि कितने टाइप के स्टोन रहते हैं वो आप जियोलॉजी में पढ़े, जियोलॉजी में पढ़ते ही हो. तो उस जियोलॉजी का पार्ट है कि काई टाइप ऑफ स्टोन, क्वार्ट्जाइट है या कोई और स्टोन है, ठीक है, उसके हिसाब से आप जैसे जो एशुलियन हैंड एक्सिस है ये बहुत ज्यादा तीखी होती है, इनमें सेकेंडरी फ्लेकिंग भी की जाती है, और आगे पीछे से फ्लेकिंग उतार कर फिर से सेकेंडरी फ्लेकिंग उतारी जाती है. जो इनके फ्लेक्स होती है बहुत छोटी 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 उतारी जाती है, ताकि ये अच्छी तरह से कटिंग या ग्राइंडिंग क्रशिंग कर सके, राइट. सो ये जो एशुलियन हैंड एक्सिस थी ये अबेबिलियन हैंड एक्सिस के बाद बनी थी, पर एबिबिलियन हैंड एक्सिस थी जो, ये भी हैंड एक्सिस इन्होंने ही बनाई थी होमो इरेक्टस ने. और जो एबिबिलियन हैंड एक्सिस थी इनमें क्या डिफरेंस था, इनमें जो आप देख सकते हो फ्लेक्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और इनमें जो डिफरेंस भी है कि जो उस टाइम पर जो जब एशुलियन हैंड एक्सिस बनाने लगे तो उस टाइम पे जो पत्थर था, जो स्टोन था, वो किस कोई और मिनरल था उनका. बट जो एबिबिलियन हैंड एक्सिस है उनमें जो पत्थर जो मिनरल है वो अलग है. और ये वो फाउंड के डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ जो हैंड एक्सिस थे वो रिवर्स में भी फाउंड पाए जाते हैं, राइट. तो कि जो ये कुछ स्पीशीज थी वो रिवर जो मतलब किनारों पे रहती थी, ठीक है,
कि ये स्पीशीज और कुछ जैसे कि कितने सालों से बहते गए जो पत्थर यूज करते थे, ठीक है, और जब ये स्पीशीज खत्म होगी अर्थ पर, बट जो ये स्टोन टूल्स थे ये रिवर में बहते बहते कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है, कहाँ पर फाउंड हुए। उससे क्या होता है, वो जो पत्थर घसना भी तो शुरू हो जाता है, तो जो फ्लेक्स है इसमें रफ दिखती हैं कि इतनी पता नहीं लगती, बट उसकी जो बॉडी का जो उसका स्ट्रक्चर होता है स्टोन से, उसका पता लग जाता है कि ये स्टोन नॉर्मल स्टोन नहीं है, नेचुरल अकरिंग स्टोन नहीं है, ये कोई टूल है जिसे कि कुछ किसी स्पीशीज ने यूज किया था। तो जो ये जो स्टोन टूल है, जैसे अब विविलियन की बात करेंगे तो इनमें जो फ्लेक्स है वो बहुत बड़ी बड़ी उतरी हुई है, राइट, देखो, देख सकते हो फोटो में, पिक्चर में देख सकते हो। तो एज कम्पेरिजन टू शूलियन है, शूलियन में तो बिल्कुल छोटी छोटी फ्लेक्स उतारी जाती थी, क्योंकि एविविलियन हैंड एक्सिस क्लीवर के बाद बनी थी। इन्होंने बनाई थी क्योंकि पहले वो चॉपिंग चॉपर टूल भी यूज करते थे, वो क्लीवर भी यूज करते थे। जब उन्होंने लगा कि इनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इन्होंने फायर यूज करनी शुरू कर दी थी और ठंड में आ गए थे, तो हो सकता है ये मीट वगैरह भी खाते होंगे, राइट, ये हंटिंग करते होंगे, उसके हिसाब से ये स्टोन टूल वैसे ही तीखे यूज करेंगे। उन्होंने सोचा कि ऐसे क्लीवर से बात नहीं बनेगी, कुछ ऐसे ही टूल बनानी पड़ेगी जिससे अच्छी तरह से कोई चीज को काट सके, ठीक है। तो फिर उन्होंने एविविलियन बनाया, लेकिन कुछ टाइम तक चलता रहा एविविलियन से, जब एविविलियन से भी बात नहीं बनी तो अशूलियन बनाया। अशूलियन एंड एक्सिस में फ्लेक बहुत छोटी छोटी निकाली गई और सेकेंडरी फ्लेकिंग की गई ताकि वो अच्छी तरह क्रश करने के लिए, कट करने के लिए अच्छी तरह काम कर सके। सो दीज आर द स्पीशीज जिन्होंने एविविलियन और शूलियन एंड एक्सिस बनाए थे, ठीक है, और ये फर्स्ट स्पीशीज थी जिन्होंने फायर को यूज किया था, बट वी आर नॉट कंफर्म दैट कि उन्होंने कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज की थी या नहीं की थी, बट दीज आर द फर्स्ट स्पीशीज जिन्होंने फायर को यूज किया था, राइट। देन नेक्स्ट स्पीशीज इज निडरथल्स। दीज आर ये यूरोप में पाए गए, ठीक है, सब डिस्कवर हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप, ओके, एंड ये केव्स में रहते थे। सबसे पहला तो इनका यही है, और जो ये स्टार्टिंग था 100,000 years टू 40,000 years तक ये थे, और ये आइस एज में आए थे, हद से ज्यादा जब ठंड होती है तब ये स्पीशीज पाए गए। एंड ये जो थे, ये इनका जो डीएनए था वो बहुत ज्यादा ह्यूमन से मैच करता था। सो दीज आर द स्पीशीज जिसे हम बोल सकते हैं कि ये इनमें बहुत कम डिफरेंस था जो ह्यूमन से मैच करता था, बहुत नहीं करता था, बट ये बहुत ज्यादा जो इनकी सिमिलैरिटीज थी वो ह्यूमन्स की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ह्यूमन के थे इनके, क्योंकि केव में रहने लग गए थे ठंड को बचाने के लिए, ये क्लोथिंग भी करते थे, क्लोथ पहनते थे, चाहे वो किसी एनिमल का उखाड़ कर पहन ले, ठीक है। सो दीज आर द स्पीशीज, ठीक है, और इन्होंने हंटिंग करनी इन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि ठंड से बचने के लिए इन्हें एनिमल्स को खाते थे, राइट, केव्स में रहते थे, और ये कुकिंग कुकिंग इनकी पाई गई है, कुकिंग करते थे, और कुछ रिचुअल्स भी पाए गए, जो रिचुअल्स इनकी कुछ फॉलो करते थे, जब जो इनके बॉडी जो इनके स्केलेटन पाए गए उनमें कुछ ऐसे रिचुअल्स भी थे जो पाए गए जो ये फॉलो करते थे। अगर इनका कोई कोई जैसे सोशल एंड कल्चर लाइफ के लाइफ जो मस्टीरियन मैन, क्योंकि इसे मस्टीरियन मैन भी बोला जाता है, ठीक है, मस्टीरियन एज में आए थे, क्योंकि ये है आइस एज में आए थे इसलिए ये इसे मस्टीरियन मैन भी बोला जाता है, राइट, और देन ये कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते थे। अगर कोई इनमें से कुछ कोई ऐसा निडरथल मर जाता था, ठीक है, तो उनको उन पर ये कुछ ऐसी जैसे हेमेटाइट जो रेड रेस्ट आयरन ओर होती है उसकी उन उस उसको उनकी बॉडी पर स्प्रिंकल करते थे, ठीक है, और कुछ उनको मिक्स करते थे वेजिटेबल सीड ऑयल के साथ, ठीक है, इनका ये रिचुअल होता था। और ये मानते थे कि मरने के बाद भी जो इंसान मर गया है, राइट, उनको खाने की जरूरत पड़ती है, तो ये साथ में फूल और कुछ ऐसे खाने का सामान, ठीक है, इनके साथ में रख देते थे, और एक उसमें जो ये दबाते थे
जो इंसान जब मर जाता तो दबाते, तो ये रिचुअल्स को फॉलो करते, तो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी आप सोच सकते हो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि रिचुअल्स को फॉलो करते थे। ये मानते थे कि मरने के बाद भी इंसान इनको कुछ खाने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये खाएंगे, राइट। तो इनमें जो चीन है इनमें भी एबसेंट होती थी, ठीक है। जो टेम्पोरल फोसाई है वो लार्ज होता था, आपको मैंने बोला ये टेम्पोरल फोसा है फोरहेड में, जो लेटरल साइड में जो आप देख सकते हैं दोनों साइड पर ईयर के आगे जो ये खड्डा सा बनता है, राइट, ठीक है, वो उसे हम टेम्पोरल फोसाई बोलते हैं, वो लार्ज होता है इनमें, जैसे कि होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस में पाया जाता है। और जो फेस है इनका लॉन्ग होता है, प्रोजेक्ट फॉरवर्ड होता है, जो सुपर ऑर्बिटल रिजेज होती है राउंडेड होती है, इनमें भी टोरस बनता है, सुपर ऑर्बिटल रिजेज जो आईब्रोज होती है, राइट। और ये हंटिंग करते थे खाने के लिए, राइट, और ये केव्स में रहते थे और फायर को यूज करते थे, एक तो ठंड से बचने के लिए, दूसरा कुकिंग पर्पसेस के लिए। और जो इनका नोज होता था वो ब्रॉड होता था, जो ऑर्बिट्स होती थी वो लार्ज होती थी, क्योंकि रात को देखने के लिए ऑब्वियसली बात है इनको जितनी आईज बड़ी होंगी उतना ही ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि अब केव में आप हम तो लाइट लाइट में रहते हैं, ठीक है, बट ये केव में रहते थे, तो केव में रहने के लिए उस हिसाब से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट ये फर्स्ट स्पीशीज थी जिन्होंने जैसे इन्होंने जो एक रोड पर जैसे ये वुडन वुडन स्टिक है ना, इस पर जो हम फायर जलाते हैं, फायर को यूज कर हंटिंग पर्पसेस करते थे, क्योंकि ये इकट्ठे होकर कुछ 6-7 जने इकट्ठे होकर जिसको भी इसने इन्होंने हंटिंग पर्पसेस के लिए टारगेट बनाना होता था, कोई भी एनिमल था उसके पीछे भागते थे। और ये जैसे क्लिप्स क्लिप्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उस पर एक जो कुछ जो ये निडरथल थे उस एनिमल्स के पीछे भागते थे, और जो कुछ थे वो नीचे नीचे खड़े हो जाते थे, ताकि जब उन पर अटैक करेंगे तो वो जब नीचे गिरेगा अपने बचाव के लिए, तो ये उनको हंट कर सके। तो ये हंटिंग इस तरह करते थे, क्योंकि इनकी सोचने की क्षमता कि कैसे हंटिंग करनी है, किस प्रोसेस से करनी है, तो ये इकट्ठे होकर सभी करते थे। तो ये पर्पसेस के लिए ये ऐसे अपनी हंटिंग करते थे। तो दीज आर द फर्स्ट स्पीशीज जो हंटिंग इस तरह से करते थे, तो इनकी और ये रिचुअल्स को भी फॉलो करते थे। और जिनका नोज है वो ब्रॉड होता था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और जैसे आंखें ऑर्बिट क्यों बड़ी होती थी, क्योंकि वो रात को देखने के लिए ऑब्वियसली बात है, तब इतनी लाइटिंग नहीं होती थी, तो अभी इन्होंने फायर को यूज करना शुरू किया, तो उस हिसाब से इनकी आंखें थी। एंड जो शॉर्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब इनकी जो बोन्स थी मस्कुलर थी, क्योंकि भागते थे, हंटिंग जो करते थे भागकर करते थे, और इकट्ठे होकर इनकी जो खाना जो ये मीट खाते थे, तो मीट जो तभी ये मस्कुलर थे, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिविटी जो थी वो काम वाली करते थे। और दीज आर द स्पीशीज जिन्होंने स्क्रैपर्स से जो इन्होंने बनाए। तो स्क्रैपर्स जो होते हैं वो टू तरह के, एक तो ग्लेक्टोनियन और एक लेवलवियन, ठीक है। दिस टू स्क्रैपर जो ये टू टाइप्स के स्क्रैपर्स थे जो इन्होंने बनाए थे, ठीक है। और ये जो थे ये उनसे ज्यादा बेटर थे, जो हैंड एक्सिस अशुलियन हैंड एक्सिस और विजिलियन हैंड एक्सिस थी, राइट, उनसे ये बेटर थे। और ये यूज करते थे जैसे कुछ भी काटने के लिए, क्रश करने के लिए। जो ग्लेक्टोनियन था ये पहले बनाया गया, इतना तीखा नहीं था एज कम्पेरिजन टू लेवलवियन स्क्रैपर्स, क्योंकि इनमें भी कुछ टाइप्स के स्क्रैपर्स होते हैं, राइट, जैसे कि साइड स्क्रैपर हो गया, डेंटिकुलेट हो गया, पॉइंट हो गया, डिस्क हो गया। सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रैपर्स विच आर फाउंड विच आर मेड बाय दिस स्पीशीज डर्थल्स। सो ये आइस एज में पाए गए, ठीक है, और ये केव्स में रहते थे। और इन्होंने जो ये दो जो थे स्क्रैपर्स जो इन्होंने बनाए थे, ये अशुलियन और विलियन हैंड एक्सिस के कंपैरेटिवली छोटे थे, तो ताकि अच्छी तरह पकड़ कर काट सके। और ये जो हंटिंग करते थे, तो ये जैसे बोलाज हो गए, ठीक है, जो अटैक करने के लिए घुमाकर मारते हैं कि ताकि एनिमल के लात पर मार सके, टांग पर मार सके, तो उनकी टांग पर मारने के लिए वो ऐसी टेक्निक्स यूज करते थे ताकि वो अटैक कर सके एनिमल पर। और कुछ उस एनिमल के पीछे जाते थे, कुछ हाइड हो जाते थे क्लिप के नीचे, ताकि जब एनिमल गिरे तो वो पकड़ सके। तो ऐसे इन टेक्निक से हंटिंग करते थे। सो एंड जो मस्टीलर मैन थे, ठीक है, वो उन्होंने शूलियन हैंड एक्सेस और स्क्रैपर्स को बहुत ज्यादा इन्होंने यूज किया था। सो दीज आर द वन हु मेड
प्लेक्टोनियन स्क्रैपर्स एंड लेवलवियन स्क्रैपर्स, राइट? सो दीज आर द स्पीशीज हु लिव्ड इन अ केव टू प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड वेदर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट नीदरथल्स. द नेक्स्ट स्पीशीज इज होमो सेपियंस, दैट आर नॉट वी बट आर ऑल ह्यूमन लाइक स्पीशीज, राइट? तो ये होमो सेपियंस ह्यूमंस ही थे और ये नियोलिथिक में आए. जो नीदरथल्स थे वो मिडल पेलियोलिथिक का पार्ट था और जो ये होमो सेपियंस थे ये अपर पेलियोलिथिक का पार्ट है, राइट? सो जो जो अगर मुस्टीरियन मैन की बात करें तो मुस्टीरियन मैन नीदरथल को बोला जाता है. अगर आइस एज में किस कोई स्पीशीज आई है तो वो स्पीशीज क्या थी, वो नीदरथल्स थे, ठीक है? और वो केव मैन अगर बोला जाए तो कौन है, वो नीदरथल्स ही है, ठीक है? और जो होमो सेपियंस है जो हमारी तरह जिन्होंने एग्रीकल्चर शुरू करा, जिन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज किया, वो थे होमो सेपियंस जो कि नियोलिथिक का पार्ट है, राइट? मीजोलिथिक और नियोलिथिक का पार्ट है, वो होमो सेपियंस है. सो अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो अब जो स्क्रैपर्स तक जो थे टूल्स थे वो बनाए थे नीदरथल ने. अब होमो सेपियंस से उन्होंने बहुत छोटे छोटे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, जैसे माइक्रोलिथ्स हो गए, वो बिल्कुल ही छोटे, जैसे एक पिन होता है, ठीक है, उस साइज के होते हैं, पर थोड़े इस जो आपको पिक्चर में देख ही सकते हो, माइक्रोलिथ्स हो गए, फ्लिंट्स हो गए, तो ये लेवलवियन स्क्रैपर की तरह है, बट ये छोटे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं. इनमें जो आप देख सकते हो एक लाइन लाइन बन रही है, तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे ये, जिन टेक्निक्स को यूज कर कि स्क्रैपर सॉरी ये स्टोन टूल्स बनाते हैं, ये टूल्स बनाते हैं किसके लिए, अपने कटिंग पर्पसेस के लिए यूज करते होंगे, ठीक है? और जो ये वाली स्पीशीज इतनी सोच सकते हैं कि छोटा टूल को कैसे सीखा गया जाए, तो कुछ टेक्निक यूज करके ये स्क्रैपर्स बनाते थे. अब आपको ऑलरेडी टोल्ड निरर्थल अगर कोई रिचुअल यूज करते हैं तो होमो सेपियंस तो कितने ही रिचुअल यूज करते होंगे. तो इनमें क्या चेंजेस आए थे, निरर्थल में जो आया कि उनका ब्रॉड नोज था, उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो एज कम्पेरिजन टू होमो सेबिलस और होमो इरेक्टस ज्यादा थी, अब इनमें और ज्यादा होगी. और जो ये वाले थे इनमें क्या है, जो क्रेनियम इज एनलार्ज्ड एंड फेस, जो फेस इनका रिड्यूस है एज कम्पेरिजन टू निरथल्स. जो नेजल बोन है वो लार्ज है, ब्रॉड है, नोज है प्रोमिनेंट, राइट? और जो प्री मैग्जिला नैवो मार्ग्ड, ठीक है, जो मैग्जिला और ये इतना मार्ग नहीं है जैसे उनमें प्रोग्नेथिज्म पाया जाता है ना, इनमें इतना प्रोग्नेथिज्म नहीं था, इनमें चीन प्रेजेंट होती है, जैसे निरथल तक जो स्पीशीज थी उनमें चीन एबसेंट होती थी, बट इनमें प्रेजेंट होती है, राइट? और जो मैस्टोइड प्रोसेसर्स और स्पिनोइड बोन है वो, अब उनमें स्पिनोइड बोन का कोई मेंशन नहीं है, बट जो मैस्टोइड प्रोसेस होता है, जो हमारी नेक है, अभी आप देख सकते नेक है, नेक में जो ईयर के नीचे जो आउटवर्ड बोन है ना, वो मैस्टोइड प्रोसेस ही है, राइट? सो वो इनमें पाया गया. और स्पिनोइड बोन होती है जो स्कल में आपको दिखेगी, उनमें तीखी सी एक सुई की तरह तीखी होती है, वो स्पिनोइड जो बोन है वो इनमें पाई जाती है, ठीक है, स्कल में अच्छी तरह आपको दिखेगी. एंड द फोरामेन मैग्नम इज, जो अब हमारे जो गर्दन है वो बिल्कुल ही बीच में है, राइट? बट जो ये स्पीशीज है उनमें इतनी नहीं, इनमें थोड़ी सी फॉरवर्डेड होती है, बट इनमें फोरामेन मैग्नम होता है जो एक उसमें स्कल में आपको दिखेगा, ठीक है, जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें प्लेस्ड होती है हमारी नेक, ठीक है, तो वो बीच में है, इसलिए वो बिल्कुल ही सीधी है हमारी नेक, हमारी जो स्कल है वो बिल्कुल ही इरेक्ट है बॉडी से, बॉडी की तरह बॉडी, ठीक है. तो फोरामेन मैग्नम पे हमारा स्कल अटैच होता है, ठीक है. और जो हम बिल्कुल ही इरेक्ट खड़ते हैं, तो क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि जो स्पाइनल बोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस्ड है, क्योंकि हमारा जो फोरामेन मैग्नम पे जो नेक अटैच होती है, सो इससे जो स्पाइनल कॉर्ड बैलेंस हो जाती है, तो इसे भी तो ये अच्छी तरह से इरेक्ट खड़े हो सकते हैं, राइट? और जो लेग है वो लॉन्गर होती है आर्म से, राइट? देन और बायपेडल वॉकिंग करते हैं, फुली इरेक्ट पोस्चर में होते हैं. क्यों होते हैं? ड्यू टू फोरामेन मैग्नम जो है वो बिल्कुल ही बीच में प्लेस करता है नेक के, सो तभी इरेक्ट खड़ सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बैलेंस हो जाती है,
राइट एंड द चीना इज मिनिमम प्रेजेंट होती है, अपर मोलर है वो रूटेड होते हैं, डबल रूटेड होते हैं राइट, और जो लेटरल इंसाइजर्स है ब्रॉडर होते हैं सेंट्रल और अपर इंसाइजर से, ठीक है, और जो कैनाइंस है वो छोटे होते हैं, और जो वर्टिब्रा जो हाई टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इनमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, रेक्ट पोस्टर में घटते हैं राइट। सो लीनियर एस्परा जो फीमर में होता है वो वेल डेवलप्ड होता है राइट एंड दे यूज द केव पेंटिंग आर्ट। अब ऑलरेडी टोल्ड यू अब निडरथाल तक कैसे कम्युनिकेट करते थे, अब इनमें केव पेंटिंग पाई गई, आर्ट पाई गई, कुछ वॉल्स में पेंटिंग पाई गई, कैसे अपना टाइम पास करते थे, क्या कैसे पेंटिंग वॉल्स पर कैसे पेंटिंग बनाते थे, तो कुछ ऐसे जैसे कुछ अगर ग्रीन कलर का कुछ बनाना है तो ये लीव्स को क्रश करके उनके कलर से स्टिक जो वुड वुड होती है उसकी जो स्टिक होती है उससे यूज करते थे राइट। तो जैसे हम यूज करते हैं हम पैन यूज करते हैं, ये वुडन की जो लकड़ियां होती हैं लकड़ियों से पत्तों को क्रश कर वॉल पर पेंटिंग आर्ट पाएगी वो ये करते होंगे फ्री टाइम पीरियड में राइट। सो केव पेंटिंग पाएगी, आर्ट पाई गई, कुछ रिचुअल्स पाए गए जो ये करते होंगे, आप कैसे गॉड को मानते थे या नहीं मानते थे राइट। सो और ये हट्स में रहते थे सिविलाइज सोसाइट। अब की जो स्पीशीज होमोसेपियंस जो हमारे सिविलाइज मैन राइट, तो वो तो अभी किसमें सोसाइटीज में रहते हैं, लेकिन जो शुरू हुए न्यूलिथिक से शुरू हुए है ना, तो वो मिजोलिथिक और न्यूलिथिक से शुरू हुआ। मिजोलिथिक में कौन थे, मिजोलिथिक में थे वो होमोसेपियंस ही थे, बट वो जो थे वो माइक्रोलिथ्स वगैरह यूज करते थे। जो न्यूलिथिक में थोड़े और चेंजेस आ गए कुछ और, जैसे अब उसके बाद फिर आयरन एज आई, ब्रॉन्ज एज आई, कॉपर एज आई, अब सिविलाइजेशन होगी राइट। तो ऐसे ऐसे चेंजेस कैसे आते रहे, सो होमोसेपियंस मिजोलिथिक से शुरू हो गए थे। सो ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पीशीज। अब इनमें कितने तरह की स्पीशीज है, क्रो मैग्नन ठीक है, ये जो फर्स्ट स्पीशीज थी लाउस लार्टेंट इनने डिस्कवर की थी 1868 में ठीक है, और ये जो स्पीशीज थी अपर पेलियोलिथिक पीरियड में पाई गई राइट। और इनमें जो कि कैसे अपना यूज करते हैं, स्कल्स इनका लार्ज होता है, मैसिव होता है, वॉल्ट हाई होता है, क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 660 तक होती है, और जो फोरहेड है ब्रॉड होता है, मॉडरेटली हाई होता है, जो फेस है ब्रॉड है शॉर्ट है, जो ऑर्बिट है रेक्टेंगुलर होती है अब इनमें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आग यूज करने लगे थे राइट। फिर उस हिसाब से जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे अब हम लाइट में रहते तुम्हारी आईज और छोटी होगी, सो ये चेंजेस आती जाती रहती हैं राइट। सो द फेस इज ब्रॉड एंड ये रेक्टेंगुलर शेप की थी, जायगोमेटिक रीजन में चीक बोन थी वो स्ट्रॉन्ग है, लार्ज या प्रोमिनेंट है राइट, एज कम्पेरिजन टू जो पिछली निडरथल तक स्पीशीज थी। जो नोज है उनमें ब्रॉड था, इनमें लॉन्ग है, नैरो है, और जो मैक्सिलरी रीजन है वो मार्ग शो मार्ग प्रोग्नेसिस इनमें प्रोग्नेसिज्म पाया गया, पर चीन इनमें प्रेजेंट होती है, जो होमोसेपियंस उनमें चीन प्रेजेंट होगी, और जो फीमर है वो वेल डेवलप्ड है, लीनियर एस्परा इनमें भी पाया जाता है क्योंकि रेक्ट पोस्चर की हेल्प करता है। सो इनकी जो हाइट है वो है 5 feet 6.5 inches टू 5 feet 11.6 inches, सो दिस इज द हाइट ऑफ द दिस स्पीशीज क्रो मैग्नोन। एंड द लेग जो है इनकी लॉन्ग होती है एज कम्पेरिजन टू थाई बोन, जो थाई है वो होता है छोटा, और लेग्स इनकी लंबी होती है, ऐसे ही इनकी जो फोर आर्म है वो लॉन्गर होती है एज कम्पेरिजन टू अपर आर्म राइट। सो ये क्रो मैग्नोन का है, क्योंकि प्रोग्नेथिज्म अभी भी कुछ स्पीशीज है जैसे अफ्रीका में पाई जाती है जो स्पीशीज जिन्हें हम बोलते हैं निग्रोइड्स, उनमें प्रोग्नेथिज्म पाया जाता है, सो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मैच करते हैं राइट। सो दिस इज अ होमोसेपियंस एंड ग्रिमाल्डी, सो दिस इज अ डिस्कवर इन द केव कॉल्ड ग्रॉट्स डेथ एंड फोर्ट इन द जो ग्रिमाल्डी कोई विलेज होगा वहां पर मेडिटेरियन कोस्टल रीजन में ये पाई गई थी स्पीशीज ग्रिमाल्डी। देन इनकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनके वो एरोगनेशियन टाइम में पाए गए टाइप ठीक है, जो आर्टिफैक्ट्स क्योंकि पीरियड होते जब पीरियड में कुछ कुछ फेजेस में उन्हें क्लासिफाई कर दिया। सो ठीक है, ये भी अपर पेलियोलिथिक का ही पार्ट है, जो स्कल लॉन्ग है, नैरो है, हाई है,
ठीक है। और क्रेनियल कैपेसिटी इनकी क्या है, 1265 cc2 जो होती है वो फीमेल की होती है और मेल की 1455 cc। एंड द मैस्टोइड प्रोसेस इनमें छोटा होता है, राइट। अब तक जो पिछली स्पीशीज थी इनमें बड़ा था, अब इनमें छोटा हो गया एंड नॉट हाई, ठीक है। और सुप्रा ऑर्बिटल रिजिज है वो डेवलप्ड है, फोर हेड है जो वेल डेवलप्ड बीइंग स्लाइटली बल्जिंग फॉरवर्ड, कि बल्जिंग मतलब स्लोप लाइक स्ट्रक्चर, स्लोप्ड होता है इनमें, ठीक है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है। इनके जो फोर हेड वाला पार्ट है वो स्लोप्ड है, ठीक है। और जो इनके ऑर्बिट्स हैं वो लार्ज हैं, सब रेक्टेंगुलर है, उनमें रेक्टेंगुलर थे पिछली वाली जो क्रो मैग्नोन थी उसमें रेक्टेंगुलर थी, इनमें सब रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर और सब रेक्टेंगुलर अकॉर्डिंग टू दी जेंडर डिफरेंस, बिकॉज जो ये ऑर्बिटल है ना ये बहुत हेल्पफुल होती है दो स्कल्स को डिफ्रेंशिएट करने में कि ये मेल की है या फीमेल की है, राइट। तो जो ऑर्बिटल और ओवल लाइक, ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट करती है वो मैं जब फॉरेंसिक्स का सिलेबस कराऊंगी उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो इनमें सब रेक्टेंगुलर होती हैं, तो नोज जो होता है इनमें ब्रॉड होता है और ब्रिज जो होती है लो होती है और नेजल रूट डिप्रेस्ड होता है। जो कैनाइन फोसाई आर डीप, अब वो मैक्सिला में पता लगेगा, जैसे अपर लिप्स है, अपर लिप्स में अब ये स्किन आ गई है उसमें हम नहीं देख सकते लिविंग स्पीशीज में। अब आप देखोगे ये नोज, जो ये नोज वाला पार्ट है ना उसमें जो ये मैग्जिला ये मतलब टीथ के ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, उसमें एक जो खड्डा पड़ता है, ठीक है, जो इंसाइजर्स होते हैं ना हमारे उनके ऊपर एक मतलब खड्डा पड़ता है, ठीक है। तो वो जो डीप होता है लॉन्ग सॉरी कैनाइन जो फोसा है वो डीप होगा, ठीक है। और जो एल्वियोलर प्रोग्नेटिज्म मार्क्ड होगा, ये मैग्जिला वाला अपर लिप्स वाला पार्ट है जो मैग्जिला जिसे बोलते हैं वो, उनमें प्रोग्नेटिज्म मार्क्ड होता है, इनमें भी मार्क्ड होता है। जो पैलेट होती है जैसे ये मैग्जिला पार्ट है उसके अंदर वाला पार्ट जो यू शेप में होता है, राइट। जो मैग्जिला वाला पार्ट बोल रहे अपर वाला पार्ट है, अपर लिप्स वाला पार्ट देखोगे इसमें यू शेप बनता है ना टीथ से लेकर अंदर तक, तो वो जो ऊपर पैलेट होती है माउथ में जो पैलेट बनता है वो डीप है, लॉन्ग है, नैरो है, पतला है, ठीक है। और चिन है पुअरली डेवलप्ड, इनमें है पर पुअरली है, ठीक है, मतलब ना के बराबर ही है। टीथ से लार्ज होती हैं, हाइट जो इनकी है वो 5 feet 3 inches है और बॉयज की 5 feet 1.5 inches है, ठीक है। और जो इनके लोअर लिम्स है वो लॉन्गर होते हैं देन अपर लिम्स, ठीक है। जो इनकी थाई एंड लेग्स लॉन्गर होंगी और फोर लिम्स और अपर लिम्स जो अपर आर्म्स और फोर आर्म्स होती है वो छोटी होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिमाल्डी। सो नेक्स्ट इज चैन सैलेडी, ये थी रॉक शेल्टर, इनका जो है ये फ्रांस में पाया गया 1888 में डिस्कवर्ड हुआ था। और ये भी अपर पेलोलिथिक का ही पार्ट है, जो स्कल लॉन्ग है, नैरो है और जो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1530 cc है। जो सुपरा ऑर्बिटल रिजेस स्लाइटली मार्क्ड है। अब आप अपर लिप्स सॉरी ये आईब्रोज वाला पार्ट देख सकते हो, आईज के जो ऑर्बिट्स है ना उसके ऊपर देखो, तो उसमें जो ये इनमें दिखी नहीं रही, उनमें शेल्फ लाई होती है। अगर स्कल में दिखाती तो उसमें आपको देख पाते आप। इसमें सुपरा ऑर्बिटल रिजेस जैसे आईब्रो वाला पार्ट होता है वो स्लाइटली मार्क्ड है, बिल्कुल ही स्लाइटली है, वहां पे कोई शेल्फ नहीं बन रहा, कोई टोरस नहीं बन रहा, ठीक है। और जो इनमें फोर हेड है ऑलमोस्ट जो फोर हेड है स्लोप्ड नहीं है, इनमें बिल्कुल ही फ्लैट है, राइट, और वर्टिकल है बिल्कुल ही। जो फोर हेड वाला पार्ट देखोगे आप, ठीक है, इसके जो ऑर्बिट्स हैं इनके ऊपर वाला पार्ट। एंड मैस्टोइड प्रोसेस फुली डेवलप्ड, इनमें जो मैस्टोइड प्रोसेस अब इनके पीछे दिखेगा, जो गर्दन ठीक है वहां पर होगा, वहां पे मैस्टोइड प्रोसेस अच्छी तरह डेवलप्ड है। इनमें जो फेस है लॉन्ग है, ब्रॉड है, जो फेस आप देखोगे लॉन्ग है इसमें और ब्रॉड है, ठीक है। जो ऑर्बिट्स है लार्ज है, हाई है और क्वाड्रिलेटरल इन शेप, आप देख रहे हो ना ये रेक्टेंगुलर सा बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है, ठीक है। नो सब नेजल प्रोग्नेटिज्म इज नोटिस, इनमें प्रोग्नेटिज्म नहीं पाया गया, इनमें जो फॉरवर्डेड जो इनका अपर जो मैग्जिला और मैंडिबुलर ये बाहर को नहीं निकला हुआ, ठीक है। ये सब नेजल प्रोग्नेटिज्म इज नोटिस, ठीक है। देन पैलेट जो नैरो है और जो इनमें भी ये एलिप्टिकल है, जो मैग्जिला वाला पार्ट है, ठीक है। लोअर जो है वो स्ट्रांग है, नैरो है। और जो चिन है इनमें प्रोमिनेंट है, उनमें कम थी जो पिछली वाली स्पीशीज थी, इनमें अच्छी तरह से प्रोमिनेंट है। जो लिम्स है वो मस्कुलर है, क्योंकि
मस्कुलिंग जो काम करते थे ज्यादा करते होंगे, तो मस्कुलर है, स्ट्रांग है, मैसिव है। जो अपर लिम्स है कंपैरेटिवली लॉन्गर है, इनके जो अपर लिम्स है, अपर आर्म और फोर आर्म है जो वो लॉन्गर है एज कम्पेरिजन टू लेग एंड थाई। सो इनमें जो अपर लिम्स है वो लॉन्गर है, ठीक है, एज कम्पेरिजन टू लोअर लिम्स। जो फुट है इनके लार्ज होते हैं, दे रिजेम्बल जो एस्किमोज, जो अभी ये जगह है प्लेस जहाँ पर जो स्पीशीज होती है शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है उनसे रिजेम्बल करती है जो ये वाली स्पीशीज है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट